हीराबेन मां की श्रद्धांजलि सभा में यहां पर उपस्थित हमारे अभी जिनको आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल रामा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, विशाल जी, हमारे रतन भाई और सभी हमारे उपस्थित पदाधिकारीगण, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जिनके संपूर्ण संयोजक में ये आज यज्ञ हवन शांति सभा पाठ यहां पर आयोजित हुआ है। श्री दयानंद तिवारी जी उप प्रधान, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, आर्य समाज धामावाला प्रधान सुधीर गुलाटी जी, नवीन भट्ट जी, अशोक नारंग जी, नारायण दत्त पंचाल जी, स्नेह लता भट्ट जी, शैल ढींगरा जी और मंच पर जिन्होंने हम सबको आज यहां पर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की, यहां पर रखी आचार्य धनंजय आर्य जी, गुरुकुल पौंडा आचार्य अनूप शास्त्री जी, आचार्य सुश्री अन्नपूर्णा जी, मानव के कल्याण केंद्र कन्या गुरुकुल, बाल वनिता के सभी बालक बालिकाएं, हमारे भाई बहन, देहरादून जिले के समस्त आर्य समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी आए हुए हमारे बुजुर्गवार इस श्रद्धांजलि सभा में सभी भाग लेने वाले हमारे सभी सम्मानित जन, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को अपनी तथा देवभूमि की समस्त जनता की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मां के संसार से चले जाने से पुत्र को जो दुख होता है वो दुख शायद सामान्य नहीं होता है। संसार में कोई दूसरा दुख होता हो, क्योंकि मां के आशीर्वाद का हाथ, मां के आशीर्वाद का साया आसमान सरीखा होता है, उस हाथ का सर से उड़ जाना, मां का साया चला जाना निश्चित रूप से अत्यंत ही कष्टकारी है। और संपूर्ण जीवन माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का एक साक्षात प्रतिबिंब रहा है, जैसा कि अभी आचार्य गणों ने यहां पर तमाम चीजें बताई हैं। और हमारे शास्त्रों में भी मां के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए शायद यह ठीक ही कहा गया है कि पुत्र को गर्भ में धारण करने के कारण माता धात्री है, जन्म देने के कारण माता जननी है, पालन पोषण करने के कारण माता अम्बा है और सुयोग्य वीर को जन्म देने के कारण माता भीष्म। इस सारे के सारे गुण हीराबेन मां के अंदर थे, वो इन सभी गुणों की साक्षात प्रतिबिंब रही है। हर पुत्र की भांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अपनी माता जी से गहरा लगाव था। हम सब लोगों ने विभिन्न अवसरों पर उनको देखा था कि वह माता जी के पास जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे और वो लगाव हम सब लोगों ने नजदीक से प्रकट देखा। अपने जीवन में स्वर्गीय पूज्य माता जी ने अनेकों कष्टों का सामना किया, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ संकल्पित होकर कभी भी जीवन में हार न मानना, दूसरों के घरों में काम करके भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी का परिणाम रहा कि हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व
हमारे देश को प्राप्त हुआ, जिन्होंने न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पहचान बढ़ाने का काम किया, एक नई दिशा देने का काम देश को किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कल्पना को संपूर्ण विश्व के सामने संपूर्ण भारत के सामने लाने का काम किया। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जब हम हृदय माता जी को आज यहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी उनको संस्कार मां से मिले थे, पहली शिक्षा जो मां से मिली थी, उस शिक्षा का परिणाम है कि एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने मां भारती को समर्पित किया। मैं उस दिन जिस दिन उनका देहांत हुआ, देहावसान की उनका समाचार मिला, मैं कलकत्ता में था और कलकत्ता में हमारी नमामि गंगे को लेकर पांच राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के अनेकों विभागों के मंत्री वहां पर थे और प्रातःकाल 6 बजे जब ये समाचार मिला तो ऐसा लगता था कि अब ये बैठक आज हमारी नहीं हो पाएगी। भाई बहनों 8:30 बजे मैंने भी फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप सब लोगों के लिए है कि आप सब लोग वहां से ना आए और तय समय पर आपकी बैठक हो। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे और देखिए 10:30 बजे उनके सारे संस्कार वो पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री जी ठीक 11:15 पर कार्यक्रम में उपस्थित हो। इतना बड़ा जीवन का कष्ट, यानी कि इससे हमारे सामने एक बात बिल्कुल स्पष्ट आ जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया है कि एक पल गवाए बिना प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण प्रत्येक एक एक समय का सदुपयोग करना है और देश को समर्पित करना है। आप सोचिए कि कितना कठिन रहा होगा। मैंने देखा था उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने हम सबकी बैठक में प्रतिवाद किया, यानी कि एक तरफ पुत्र धर्म और एक तरफ राष्ट्र धर्म, दोनों धर्मों का निर्वाह करने का काम और समाज और देश को एक नया उदाहरण देने का काम। इतनी कठिन परिस्थिति में भी सामान्य होकर सहज होकर सब कामों को आगे बढ़ाना, और उन्होंने अपना संबोधन भी जानते हैं क्या किया। अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत परेशानी, इसके अलावा ज्यादा नहीं बोला मैं। इतना बोलने के बाद कि मैं वहां आप सबके बीच में उपस्थित होता लेकिन व्यक्तिगत परेशानी के कारण मैं वहां नहीं आता। उसके बाद सारा का सारा उन्होंने जो है जो रोड में गंगा जी को लेकर बनाया हुआ था, जिन पर काम होना था, जो आगे का विजन था, वो उन्होंने हम सबके सामने रखा। भाइयों बहनों, मैं एक बात इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय हीराबेन बा की शताब्दी यात्रा निसंदेह एक संपूर्ण यात्रा रही है और उनकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव ईश्वर के श्री चरणों में होगा। वहां से भी उनका आशीर्वाद न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को, हम सबको भी सदा सर्वदा हमेशा वहां से मिलता रहेगा। जो उनके मन में अभिलाषाएं इच्छा थी, उनके स्वप्न थे, उन सपनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे होगा। मैं आज परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिव्य आत्मा को पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस जो कष्ट है, जो कि जीवन की एक रीति है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अपनों को अपने के बीच से कोई अपना चला जाता है तो निश्चित रूप से कठिन समय होता है, काफी कष्टकारी होता है। इस जो कष्ट का समय है उनके सभी आत्मीयजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दुख की घड़ी में संपूर्ण देवभूमि की जनता, सभी हमारे आचार्यगण, सभी आचार्य सभा, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि सभा की है। मैं यही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण उत्तराखंड इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं पुनः स्वर्गीय माता जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कि भगवान परमपिता परमेश्वर
उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीयजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।